और इस बार राधा रानी क्रिएशन चौका, चौकाने वाला चौका, मौके पे चौका, स्कोर बटा हुआ 14 रन, 1 विकेट नुकसान पर। स्वागत किया गेंदबाज का, पहली गेंद पर ऊपर चौका जरा बल्लेबाज। इस बार वन बाउंस सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं। पिछली गेंद पे 4 रन खर्च के गेंदबाज ने, इस बार डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी में वापसी। हमारे बीच हरियाणा मंडप से किशन जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। किशन जी गोयल हमारे बीच पधारे हैं हरियाणा मंडप से। और इस बार फिर से लगातार दो डॉट गेंद, गेंदबाज सौरभ के द्वारा। सौरभ जिंदाल, जिंदा रिली गेंदबाजी करते हुए। इस बार फिर से जोखम भरा रन, अच्छी रनिंग बल्लेबाजों के बीच में, आसानी से 1 रन प्राप्त किया। इस बार डीसा से बट के गेंदबाज अंपायर वाइड गेंद, अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। सत्रह रन बने हैं टीसी और की आखिरी गेंद से। लेग स्टंप के काफी बाहर जा रहे हैं, वाइड गेंद, अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। तीन ओवर की समाप्ति पर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 78 गेंदों में 91 रनों की आवश्यकता है।
और इस बार राधा रानी क्रिएशन चौका। बात करें प्रणव की, 10 गेंदों में 16 रन बनाए 3 चौकों की सहायता से, 23 रन बन चुके हैं चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर। हालांकि पांच ओवर पावर प्ले है, बहुत ही अहम रहेगा पावर प्ले, 110 रनों का लक्ष्यांक है। पीछा करते हुए 23 रन बन चुके अब तक। अच्छी गेंद, अच्छी ऑफसी गेंदबाजी में पिछली गेंद के ऊपर 4 रन खर्च किए गेंदबाज ने, इस बार डॉट गेंद। हमारे बीच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम श्रीमती श्वेता जी सवे पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियां। और पिच गेंद, और इस बार अच्छी फील्डिंग, 2 रन की मांग बल्लेबाजों के द्वारा, आसानी से 2 रन प्राप्त किए। स्कोर 25 रन बन चुके हैं, चौथे ओवर का खेल प्रगति पे है 1 विकेट नुकसान पर। इस बार फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग गेंदबाज के द्वारा, हालांकि अक्सर फॉलो थ्रू में फील्डिंग करना काफी मुश्किल काम होता है गेंदबाजों के लिए, बखूबी काम निभाया है दिव्यांग ने, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है दिव्यांग। आज हालांकि बल्ला चला नहीं, अब बारी है गेंदबाजी की, कुछ करामत करनी होगी गेंदबाज दिव्यांग को अपनी टीम के लिए। ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से खेला और शॉट, फील्डर तैनात, एक जो कम हो सकता था मना किया मोहित ने। और बात करें मोहित की, कल के दिन 50 प्लस रन बनाए थे मोहित ने, बेहतरीन पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। आज जरूरत है टीम को उसी तरह बल्लेबाजी करने की, 26 रन बने हैं। चौथे ओवर की आखिरी गेंद से 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हल्के हाथों से खेला है फील्डर तौनात, कोई रन नहीं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 1 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है, नए गेंदबाज शुभम सराओगी टीम के कप्तान है ये। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर में स्कोरबोर्ड पे बने हैं 26 रन, 1 विकेट गवाया, पावर प्ले चल रहा है। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर बल्लेबाज मोहित के कंधे पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी, काफी जुझारू खिलाड़ी है ये।
स्टंप के बीचों बीच रखा था गेंद को, इस दफा इसको ड्राइव किया है फाइन लेग की तरफ, लेग बाई के रूप में सिंगल मिलेगा। मोहित युवा खिलाड़ी है, ये उभरते हुए सितारे। इस बार चढ़कर गेंद पर आया, अपील हो रही है, अंपायर सहमत नहीं, थोड़ी सी हाइट नजर आई, हालांकि हो सकता था लेग स्टंप को भी, लेग स्टिक को भी मिस करती ये गेंद। पर्पल कैप की रेस में तीसरे पायदान पे ये गेंदबाज मौजूद है। 12 हाथ के गेंदबाज इस बार फुल लेंथ डिलीवरी, सीधा टहला है, इसको खुद फील्ड करेंगे। शुभम बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लाजवाब गेंदबाजी। ये भी बढ़िया गेंद इस्तफाल लेग स्टंप पे, एक और डॉट गेंद, सराहनीय गेंदबाजी यहां, लक्ष्य उतना बड़ा है नहीं, बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है गेंदबाज के कि यहां से रन भी बचाने और ब्रेक थ्रू भी दिला लें। ये खेला उठाकर, ये बहुत बढ़िया संपर्क है, ओवर एक्स्ट्रा कवर्स छे, ये बीचों बीच कनेक्ट हुआ, मजा आता है जब ऐसे स्ट्रोक्स बीचों बीच कनेक्ट होते हैं। अब बॉडी लैंग्वेज देखिए कितना पॉजिटिव है, 3-4 डॉट गेंदे खेलने के बाद भी घबराए बिल्कुल नहीं है, उन्हें अपना स्ट्रॉन्ग जोन पता है। साइड स्क्रीन थोड़ा सा खाली किया जाए, लेकिन अच्छे लय में नजर आ रहे हैं यहां मोहित। इस दफा अपनी लेंथ को थोड़ा सा खींचा है, ऑफ स्टंप पे पिछली बार दिया था तो छक्का मारा, इस बार लेग स्टंप पे अपील हो रही थी शायद वाइड की, डॉट के साथ ओवर की समाप्ति, खूबसूरत रहा ये ओवर, बल्लेबाजी दृष्टिकोण से एक बहुत ही बेहतरीन छक्का, ओवर एक्स्ट्रा कवर लगाया मोहित ने, और पावर प्ले भी समाप्त हो चुका है, पावर प्ले में बने हैं 33, एक विकेट गवाए हैं, लेकिन प्रणव और मोहित अपने बल्लेबाजी से मनमोहित करते हुए द ज्वेलरी पैलेस 11 को। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो टेबल टॉपर बनेगी, टेबल पे टॉप पे आ जाएगी, और ये मुकाबला इस लहजे से, इस दृष्टिकोण से भी काफी अहम होने वाला है। नए गेंदबाज प्रतीक, इनकी गेंदबाजी पे काफी कुछ निर्भर करेगा, हालांकि अब फील्ड जो है वो खुल चुका है, आप देख सकते हैं पावर प्ले समाप्त होते ही फील्ड को खोला गया, एक डिप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पीछे लेग साइड में हमें नजर आ रहे हैं। चढ़कर आए लेकिन उतनी गति दी नहीं, आगे डाली हुई गेंद, पहले ही देख लिया था बल्लेबाज थोड़ा सा चहलकर्नी करने की कोशिश कर रहे हैं, और हल्के हाथों से इसको रोका है, जोखिम नहीं लेना चाहेंगे, अच्छी साझेदारी पनप रही है। इस दफा ड्राइव किया है पॉइंट की तरफ, सिंगल ले लेंगे। देखिए सिंगल डबल जब तक आते रहेंगे प्रेशर बिल्ट नहीं होता है, मजा आता है फिर बल्लेबाजी करने में भी, ये जानते हैं कि ज्यादा लंबा ज्यादा बड़ा यहां पे स्कोरबोर्ड है नहीं, चेस करने के लिए उतनी बड़ी स्कोरबोर्ड यहां पे खड़ी की नहीं गई है अपोजिट टीम द्वारा, तो बल्लेबाजी का दोनों ही बल्लेबाज आनंद लेते हुए अपना नेचुरल गेम खेलने को देख रहे हैं। मोहित फिर से एक दफा स्ट्राइक पे,
ये बढ़िया गेंद है, इस बार तो बल्लेबाज को परखा, पहले ही देख लिया था। बल्लेबाज चलकर आगे आ रहा है, आगे डाला, थोड़ा गेंद उछाला, ज्यादा गति नहीं दी थी लेकिन फिर भी उछाल यहां नजर आई है। और ये एक सिग्नल भी दे दिया है कि हेलमेट भी जरूरी होता है। ये बढ़िया कट है, ये गली और कवर्स के बीच से निकाला ये चौका, राधा रानी चौका आता हुआ, ये बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। जैसे ही हाथ खोलने का मौका मिला, हाथ खोला है, रूम दिया ऑफ साइड में, और उसका भरपूर फायदा इस बार प्रणव ने उठाया। देखिए दोनों ही बल्लेबाज ऑफ साइड के काफी स्ट्रांग बल्लेबाज है, ऑफ साइड इनका स्ट्रांग जोन है। ये लो फुल टॉस, बैठकर इसको निकाल दिया है शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से, हालांकि संपर्क उतना बेहतर रहा नहीं, हल्का टॉपेज लगा था, स्वीप करने की कोशिश थी, टॉपेज लगा, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से फिर भी निकल गई गेंद, दो मिल जाएंगे यहां तो। रन जो है अब तेज गति से आ रहे, पिछले दो ओवर में हमने देखे, पिछला ओवर भी और ये ओवर भी, बल्लेबाजी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण और काफी खूब। ये बाहर, काफी बाहर ऑफ स्टंप के, अंपायर अपनी दोनों ही बाहें ऊंची करेंगे, अतिरिक्त में इजाफा होगा। रिक्वायर्ड रन रेट अब लगभग 6.5 रन, 6.5 के करीब आ चुका है। ये फुल लेंथ डिलीवरी फिर से एक दफा, थोड़े पल के लिए हवा में थी गेंद, लॉन्ग ऑन की तरफ जाएगी, सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक पे फिर से एक दफा, आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर रखेंगे अपने पास स्ट्राइक प्रणव। ओवर की समाप्ति, 6 के बाद स्कोरबोर्ड 43, 43 रन। ओवर में एक ही महज गवाए हैं, पार्टनरशिप जो है 33 रनों की हो चुकी है। पहला झटका जो है थोड़ा जल्दी लगा था मौनिश के रूप में, लेकिन उसके बाद एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई जिसकी दरकार थी ज्वेलरी पैलेस को, वो साझेदारी पनप रही है, और क्या खूब बल्लेबाजी करते हुए। हमारे बीच एपीसीएल कमेटी के कन्वेनर विवेक जी पधारे हैं, उनका भी खूब खूब स्वागत है। राइट आर्म ओवर द विकेट करेंगे गेंदबाजी, पेसर को लगाया गया है, मीडियम पेसर अमन अग्रवाल नए गेंदबाज। एक ब्रेक थ्रू की अब दरकार है यदि हम गेंदबाजी दृष्टिकोण से देखें तो, और एवेंजर्स को एक विकेट अब लेना ही पड़ेगा, ये पार्टनरशिप तोड़ने की जरूरत है, वरना मुकाबले में बहुत आगे निकल जाएगी द ज्वेलरी पैलेस। थोड़ा सा वाइड खींचा है लॉन्ग ऑफ को, तीन खिलाड़ी ऑफ साइड में 30 गज दायरे के बाहर रखे हैं। ये नीची रह गई प्रणव, उन्हें अब पवेलियन की ओर चलता किया है। ये कमबैक के आसार हमें नजर आ रहे हैं, सेट बल्लेबाज को आउट किया, यहां थोड़ी सी मदद पीच से भी मिली है।
गेंद काफी नीची रही और सीधा विकेटों से जा टकराई। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, अमन की। लेकिन एक अच्छा स्टार्ट दिया है बल्लेबाज प्रणव ने, उन्होंने अपना काम किया है, आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है। और साथ मिलेगा यहां मोहित का। नए बल्लेबाज विनायक गाड़िया, विनायक गाड़िया बहुत ही उम्दा बल्लेबाज ये भी। ये बढ़िया टहलाया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक रन मिल जाएगा खाता खुलता हुआ विनायक का। विनायक यहां कोशिश करेंगे एक लंबी इनिंग खेले, साथ निभाए मोहित का, थोड़ा सेट हो, थोड़ा वक्त ले, क्योंकि वक्त है अपने पास, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। लेकिन मोहित अपनी निगाहें सेट कर चुके हैं। ये देखिए आगे डाली हुई गेंद, इसको टहलाया पॉइंट पे, डायरेक्ट हिट मारा तो था लेकिन सफलतापूर्वक अंदर, और दूसरा भी चुरा लिया, नजर हटते ही फायदा उठाया है। ये थ्रो काफी अच्छा, दो रन चुरा लिए पिछली गेंद पे। अच्छे लय में नजर आ रहे मोहित, काफी पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हुए। इस बार चढ़कर आए सीधा, स्ट्रेट ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन खुद ही डाइव लगाकर रोका गेंद को, एक ही मिल पाएगा, सिंगल लिया है। अब नए बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पे, एक गेंद खेल चुके हैं पहले भी। लेकिन देखने वाली बात, अमन ने पहले ही ओवर में, अपने स्पेल के पहले ही ओवर में एक ब्रेक थ्रू दिया है। अब क्या यहां से फिर से एक आध ब्रेक थ्रू की तरफ निगाहें देखेंगी? ये तो आते ही रचनात्मक स्ट्रोक खेल रहे हैं। थोड़ी आगे डाली हुई गेंद, थोड़ा सा हवा दिया था और बिल्कुल हल्का सा घुटनों को फोल्ड किया, डीप स्क्वायर लेग की तरफ टहला दिया है। मुझे लगा ड्रिंक स्टॉल वैसे तैयार रखा जाए, मुझे लगा शायद पैडल स्वीप की कोशिश कर रहे थे। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ड्रिंक स्टॉल तैयार रखे, आठवें ओवर के बाद जाएगी, सातवें ओवर की अंतिम गेंद है, इसके बाद एक ओवर है। लेकिन क्या उम्दा शॉट खेला यहां विनायक, एग्रेसिव रवैया। आगे डाली हुई गेंद, इस दफा हल्का उछाल नजर आया है, मोहित दूसरे के लिए निकल पड़े लेकिन सही वक्त पे विनायक ने नकारा। जोखिम होता ये, लाजमी तौर पे होता ये। अच्छा कॉल, ओवर की समाप्ति, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास विनायक। सात के बाद स्कोरबोर्ड 52, दो विकेट के नुकसान पे। अब बनाने हैं 58 रन अगले 9 ओवर में, और गेंदबाजी में फिर से एक दफा शुभम सारावगी। इस दफा
टहलाया इसको मिड ऑन की तरफ और सिंगल ले लेंगे। अच्छे माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी हो रही है। अब पिछली ओवर में एक चौका लगाया था, रन फिर से दायरे के अंदर लेकर आ गए, रन को ज्यादा दूर जाने नहीं दे रहे, गेंदों और रनों के बीच का फासला नहीं बढ़ने दे रहे। सिंगल लेकर स्ट्राइक किया, रोटेट अब मोहित। पिछले ओवर में एक लंबा छक्का लगाया था, इस बार जोखिम हो सकता था, थर्ड अंपायर कॉल। चलिए ये बहुत डेंजर रन, ये रन था नहीं वैसे। एपीसीएल में फर्स्ट टाइम थर्ड अंपायर की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। समाज के टूर्नामेंट में ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको बता रहा है कि किस हद का क्या लेवल है एपीसीएल का, किस हद की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, कितने अपर लेवल की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। गेंदबाज विपिन, माफी चाहूंगा फील्डर विपिन, बहुत ही अच्छी थ्रो की थी इन्होंने। दिस इज गोना बी अ डिफिकल्ट कॉल एज वेल। फिलहाल सभी निगाहें अपनी स्क्रीन पर टिकाए बैठे हैं कि ऊंट अब किस करवट बैठेगा, यहां क्या ब्रेक थ्रू मिलेगा या फिर एक राहत की सांस लेंगी द ज्वेलरी पैलेस। सभी ध्यान देंगे, हमारे बीच एपीसीएल मेन स्पॉन्सर प्राजक ग्रुप गोपाल जी सरावगी पधारे हैं, उनका खूब खूब स्वागत अभिनंदन। आज जो ये एपीसीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है उन्हीं की बदौलत हो रहा है, अपने मेन स्पॉन्सर गोपाल जी सरावगी। ब्रेक थ्रू मिला है और हमारे बीच फिनबज ड्रिंक्स आ चुका है अंकुर बिजाका जी की तरफ से, फिनबज ड्रिंक्स। लेकिन यहां झटका लगा, ये बहुत खराब कॉल था मोहित का, विकेट गिरता हुआ। हमारे बीच हमारे मेन स्पॉन्सर गोपाल जी सरावगी भी प्राजक्त ग्रुप से आ चुके हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी। और जितने भी स्पॉन्सर हमारे बीच मौजूद हुए हैं उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इस टूर्नामेंट में चार चांद बिखेरने के लिए अपने स्पॉन्सरशिप से। एपीसीएल वर्किंग कमिटी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपना कीमती वक्त दिया है, अपनी मेहनत दी है और उनके वजह से ही उनके मेहनत का फल ये खूबसूरती के साथ टूर्नामेंट जो बीतता हुआ हमें नजर आ रहा है। दोनों कैप्टन्स को टॉस
ओके फाइनल कॉल आ चुका है, रन आउट दिया गया है, कंटिन्यूअसली चेक किया जा रहा था रन आउट, जिस कारण बस थोड़ा सा डिले हो रहा था, लेकिन अंततः फैसला जो है फील्डिंग टीम के पक्ष में आया है। नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज अब आदित्य चिरानिया, गेंदबाज भी बाएं हाथ के हैं, ओद विकेट होगी इन्हें गेंदबाजी, बाएं हाथ के बल्लेबाज को बाएं हाथ के गेंदबाज द्वारा। बढ़िया गेंद, आगे डाली गेंद, फिर से मौका है, गलत थोड़ा सा ये थ्रो रहा, गलत रहा, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं यहां बल्लेबाज। रन पर बॉल आप इतना दूर है नहीं, अच्छे स्ट्रोक्स आप लगा रहे हैं, बीच बीच में खराब बॉल मिल रहे हैं और उस पर बाउंड्री आ जा रहे हैं, लेकिन फिर किस बात की जल्दी है। ये थोड़ी सी उछाल नजर आई, इसको टहलाया ऑफ साइड में, सिंगल लिया है, पिछली गेंद पे हल्का सा मौका बना था रन आउट के रूप में, यदि थ्रो सही होता तो पवेलियन जाना पड़ जाता वहां मोहित को इस बार, लेकिन भाग्य भी कहते हैं मुजाहरा, लेकिन यहां एक गलती की है फील्डिंग टीम में, कोई भी फील्डर वहां कवर के लिए आया नहीं विकेट के पास, ये क्लोज कॉल हो जाता यदि वहां विकेट के पास कवर के लिए आते, गेंदबाज के साथ थोड़ी सी जुगलबंदी मिलाते तो एक विकेट हमें देखने को मिल जाता फिर से रन आउट के रूप में। ये थोड़ा सा घुमाया, बाहर की तरफ रखा गेंद को, खींचने को किया है मजबूर, डॉट के साथ ओवर की समाप्ति और एंड जो है अब चेंज हो जाएगा। आठ ओवर के बाद स्कोरबोर्ड 56 रन, 56 रन, तीन गवाए हैं, लेकिन एक उम्दा बल्लेबाजी हमें देखने को मिलता हुआ मोहित द्वारा। हेलो हेलो, नमस्कार, मैं शशिकांत पटेल एपीसीएल सीजन वन में सभी मेहमानों का, सभी प्रेक्षकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस टूर्नामेंट की बात कर, हमारे टाइटल स्पॉन्सर श्री गोपाल जी प्रजा ग्रुप, को स्पॉन्सर श्री दम्बे परमेश्वर जी परमेश्वर इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सपोर्टेड बाय श्री सुभाष जी सुभाष सारिस, टीचर स्पॉन्सर श्री दशरथ जी, मैनेजर सीरीज स्पॉन्सर श्री दामोदर जी, फोर्थ स्पॉन्सर श्री प्रदीप जी अग्रवाल दादा रानी क्रिएशन, मेडिकल पार्टनर सी डॉक्टर दीप जी मोड, ड्रिंक ट्रॉली स्पॉन्सर सी अंकुर जी ए एन के पील वुड्स, फूड स्पॉन्सर सी विवेक जी, फूड स्पॉन्सर सी नंद किशोर जी, फूड स्पॉन्सर सी राहुल जी गुप्ता, फूड स्पॉन्सर सी आउटेज जी अग्रवाल, फूड स्पॉन्सर सी रमेश जी अग्रवाल, बेहतरीन साथ सपोर्ट दिया सभी स्पॉन्सर उसने, तब जाकर ये मंच तैयार हुआ है, बेहतरीन आयोजन इस टूर्नामेंट का। फिर से मैच के दौरान आठ ओवर के बाद 56 रन बनाए, तीन विकेट के नुकसान पर, अब 48 गेंदों में 54 रन की आवश्यकता है, काफी ही रोमांचक मुकाबला का। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज सामना करके बल्लेबाज, एक
इस बार काउंट के समय बेहतरीन शॉट, हालांकि फील्डर तैनात, एक ही रन से संतुष्ट होगा बल्लेबाजों को, स्कोर बना 57। हालांकि अभी भी मैच में जान बची है, अगर यहां पे एक दो विकेट और मिल जाते हैं गेंदबाजों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। मोहित 15 गेंदों में 12 रन बनाकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, आदित्य 3 गेंदों में 3 रन बनाए अब तक, 110 रनों का लक्ष्य आंक है, 57 बन चुके हैं। अब एन चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं गेंदबाजी में चेंजिंग होंगे। हल्के हाथों से क्लिक किया है फील्डर मौज रिसी भी जोखम पर अदान, हालांकि थ्रो गलत था, अगर सही थ्रो होता तो नदी का मामला हो सकता था। इसी बीच आसानी से एक रन प्राप्त किया, स्कोर बटा 58, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस बार स्लिप के एरिया में कट जरूर किया था, आसानी से एक रन प्राप्त किया है। स्कोर की बात करें 59, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 9 का खेल प्रगति पे है। शानदार मुकाबला आज का, दूसरा मुकाबला, इसके बाद और एक मुकाबला खेला जाएगा लाल बाग कॉन्ट्रैक्ट स्टेडियम, सूरत का ऐतिहासिक स्टेडियम। ओवर पिच गेंद, इस बार गैप में ढकेला था गेंद को, हालांकि फील्डर चौकन ने 2 रन की मांग के बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन प्राप्त किए। स्कोर की बात करें 61 बने, हल्की अब दबाव रहेगा गेंदबाजों के ऊपर। 45 गेंदों में अभी भी 51 रनों की आवश्यकता है। इस बार बेहतरीन फील्डिंग जोखम भरा, यहां पर भाग्यशाली रहे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज, अगर यहां पर एक दो विकेट चटकाते गेंदबाज पलड़ा भारी हो सकता है गेंदबाजों का, दबाव बढ़ा सकते हैं बल्लेबाज के ऊपर। लो फुल टॉस गेंद, लॉक ऑप्शन में खेला जरूर फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट होगा बल्लेबाजों को, स्कोर बताओ 62। आज के हमारे अंपायर आदिल पालिया और मोहम्मद विजोरा, मेरे साथी स्कोर राजेश पटेल और हमारे थर्ड अंपायर एजम पटेल, बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है इस टूर्नामेंट के पीछे। शुभम जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, आज कोई सफलता नहीं प्राप्त की, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर। और इस टूर्नामेंट में ऑरेंज केप की रेस में दूसरे नंबर पे है शुभम अग्रवाल। और बात करें शुभम की, पर्पल कैप की रेस में तीसरे पायदान पर है और ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे पायदान के, बहुत
बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर प्रदर्शन किया इस टूर्नामेंट के दौरान, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। हल्के हाथों से क्लिक किया है, थर्मिक क्षेत्र में जाती हुई गेंद, इसी बीच बीच में कलेक्ट किया फील्डर ने, आसानी से एक रन प्राप्त किया, स्कोर बताओ 60। उठा के खेले की कोशिश, बीट हुए, इसी बीच राधा रानी क्रिएशन चौका, बाय के रूप में मिलेंगे पूरे चार। हालांकि थोड़ी सी गलती जरूर है विकेट कीपर से, भुगतान देना होगा चार रनों का, स्कोर तेजी से बढ़ता हो 68, लॉस ऑफ थ्री विकेट्स, 10 रनों का खेल प्रगति पे है। अच्छी गेंद, सम्मान दिया गेंद को, कोई रन नहीं। और इस बार बड़ी सफलता, मोहित को जाना होगा वापिस पवेलियन, गिल्ली भी कह रही है गेंदबाज शुभम ने, आज पहली सफलता शुभम के झोले में। स्कोर की बात करें 68 रन बने हैं, चार विकेटों के नुकसान पर। और इस बार बेहतरीन स्टॉक खेला है, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग का नजारा, एक ही रन से संतुष्ट होगा बल्लेबाजों को, स्कोर बटा 69 रन, 69, लॉस ऑफ 4 विकेट्स।
चार गेंद हवा में गई है, हालांकि देखते हैं क्या नहीं आता अंपायर का। प्रोजेक्ट सिक्सर बेहतरीन शॉट बल्लेबाज के बल्ले से, दबाव से उभरे हैं बल्लेबाज, बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। स्कोर बटकी हुई गेंद क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश जरूर की थी, बीट हुई विकेट के ऊपर सीधा कीपर के पास, कोई रन नहीं, स्कोर का 75 रन। बाहरी किनारा लगा था, थर्ड विकेट में जाती हुई गेंद आसानी से एक रन प्राप्त किया है। हालांकि रोमांचक मुकाबला होगा ये भी, कांटे की टक्कर सामने सामने, दिग्गज प्लेयर कौन किसके ऊपर हावी होता है, किसका सिक्का चलता है आज। बेहतरीन स्टॉक खेला है, लॉन्ग ऑक्सर में जाती हुई गेंद फील्डर टेनाट, इसी बीच आसानी से एक रन प्राप्त किया। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन बने हैं, 30 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता रियलिटी पैलेस को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। बात करें बल्लेबाजों की अभी और आदित्य, आदित्य जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर है, 60 गेंदों में 9 रन की साझेदारी की अब तक। ऑप्शन के काफी बाहर जा रही है, वाइड गेंद अतिरिक्त स्कोर पर 78। अमन की बात करें पहले और में एक सफलता प्राप्त की थी, 9 रन खर्च किए थे, इस बार अच्छी गेंद डॉट गेंद, पिछली गेंद वाइड, इस बार डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी, पता है अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, संभल कर गेंदबाजी करनी होगी, संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट ना होगा, स्कोर 79, 79 रन।
लॉन्गो किस में खेला जरूर था, फील्डर मौजूद है, आसानी से एक रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, स्कोर 80 रन बने हैं। बारियों का खेल पगटी पे है, चार विकेट के नुकसान पर। इसके बाद आज और एक मुकाबला खेला जाएगा, कवर के किस्म में खेला है, फील्डर तेजी से भागते हुए गेंद के पीछे, इसी बीच दो रन की मांग की बल्लेबाजों ने, आसानी से दो रन प्राप्त किए। हालांकि बात करें तो मुकाबले में अभी भी जान बची है दोनों टीमों के लिए। इस बार फिर से ऑफ साइड को खेला, जरूर फील्डर तैनात, इसी बीच एक रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। और इस बार रोकने की कोशिश जरूर की थी गेंदबाज ने, असफल रहे गेंदबाज, इसी बीच एक रन चुराया। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 84 रन बने, 84 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब 24 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है। मते कोटे का आखिरी ओवर लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज। कवर क्षेत्र में बेहतरीन शॉट खेला है, फील्डर भागते हालांकि रोक नहीं पाएंगे, राधा रानी चौका, स्वागत किया है गेंदबाज सुभम का, चार रन से बल्लेबाज अभी नहीं तो कभी नहीं। हालांकि तेज गति से दौड़ते तो रोक सकते थे फील्डर इस चौके को, और अब जरूरत है टीम को ऐसे रन रोकने की, क्योंकि बल्लेबाज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। हल्के हाथों से खेला, अच्छी ड्राइव लगाई फील्डर ने, कोई रन नहीं। कवर के समय खेला, जरूर फील्डर आसानी से फील किया, समय तब तक था केवल एक रन लेकर, आसानी से एक रन चुराया।
इस बार सम्मान दिया गया, इनको कोई रन नहीं। शुभम की बात करे, बेहतरीन गेंदबाजी की है आज भी, सफलता केवल एक ही मिली लेकिन कसरयुक्त गेंदबाजी की है शुभम ने। और इस बार हम पाकिस्तान बैट गेंद अतिरिक्त रन का स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन। और इस बार प्रजक्त सिक्सर, बेहतरीन शॉट अभी के बल्ले से। तेरह ओवर की समाप्ति के बाद 97, अब 18 गेंदों में 13। हमारे कोटे का तीसरा, टीम का 14 ओवर लेकर सामना करेंगे आदित्य। इस बार पटकी हुई गेंद मिडो को एक में खेला, जरूर दो रन की मांग जरूर करेंगे बल्लेबाज, इसी बीच आसानी से दो रन प्राप्त किए हैं। स्कोर की बात करें 99 बने हैं, 11 रनों की आवश्यकता। इस बार लॉन्ग ऑक्सर में खेला जरूर, इसी बीच आसानी से एक रन प्राप्त किया है बल्लेबाजों ने, इसी बीच 100 रन पूरे हुए दिल्ली पैलेस के। उठा के खेले की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, विकेट के ऊपर सीधा कीपर के पास डॉट गेंदबाजी। पंडित आगे में 10 रनों की आवश्यकता। और किस समय खेला जरूर है, फील्डर तेजी से भागते हुए, इसी बीच दो रन की मांग की बल्लेबाजों ने, आसानी से दो रन प्राप्त किए। स्कोर की बात करें 102 रन बने हैं। आठ रनों की आवश्यकता जीत दर्ज करने के लिए ज्वेलरी पैलेस को।
बात करें अभी की 13 गेंदों में 22 रन बने, जिसमें 2 सिक्सर और 1 चौका शामिल। आदित्य की बात करें 15 गेंदों में 15 रन, 23 गेंदों में 34 रनों की साझेदारी, एक बेहतरीन साझेदारी अपनी टीम के लिए। इस बार अच्छी गेंद, डॉट गेंदबाजी, फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग गेंदबाज के द्वारा। और बात करें गेंदबाज की, तो जब तक फॉलो थ्रू में गेंद आती है फील्डिंग करना काफी मुश्किल काम है, बखूबी काम निभाया गेंदबाज ने। इसी बीच 14 ओवर की समाप्ति के बाद 102 रन बने हैं, 12 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता है। बारह गेंदे 8 रन, रोमांचक मुकाबला। और इस बार क्लीन बोल, पांचवें विकेट का पतन, पांचवा करारा झटका अजमेर पैलेस को आदित्य के रूप में। कहानी में ट्विस्ट, 11 गेंदों में 8 रन, फील्डिंग में तब्दीली करते हुए कप्तान। पता है बहुत अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। ओवर पिच गेंद, लॉन्ग ऑक्सर में खेला, जरूर फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग। अब 10 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता है। और इस बार
उठा के खेला जरूर है फील्डर टेना दो दो नहीं नहीं मना किया बल्लेबाज ने पता है दो गेंद पहले ही विकेट गिरा था तो कहीं ना कहीं संभल कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन फील्डर के द्वारा अपनी टीम के लिए रन बचाए है फुल टॉस गेंद नीचे फील्डर मौजूद और इस बार एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है कैच छूरा मैच छोरा ऐसा हाल हो सकता है हालांकि अभी भी मैच में जान बची है आठ गेंदों में पांच रनों की आवश्यकता शॉर्ट पिच गेंद इस बार गैप ढूंढा है ज्यादा रनिंग क्रिएशन चौका बेहतरीन शॉट अभी के बल्ले से स्कोर इक्वल हो चुका है सात गेंदों में एक रन की आवश्यकता और यहां पर एक मौका बना था और इसी के साथ ये मुकाबला जीता है पांच विकेटों से ज्वेलरी पैलेस ने खूब खूब धन्यवाद